आउज बिल्लामी शे तौनजीम बसमल रमन रहीम फिक्र इकबाल यूट्यूब चैनल में तमाम साथियों को खुश आमदीद हु के ऊपर मैंने मुकम्मल तफसील पिछली वीडियोज में बताई है कि एक इसमें अल्लाह है और एक हु है इसमें अल्लाह इसमें चार लफ्ज़ हैं अलिफ लाम लाम हे अल्लाह ये शरीयत में है और तरीकत में अलिफ़ हटा दिया जाता है तो चार लफ्ज़ों की तासीर तीन में चली जाती है लिल्लाह बन जाता है और ये तो तरीकत में है हकीकत में फिर लाम हटा दिया जाता है फिर लाहू बन जाता है फिर चार लफ्ज़ों की तासीर दो में चली जाती है फिर हकीक़त से ऊपर मार्फत मारफ़त में लाम भी हटा दिया जाता है फिर हु बन जाता है और ये हु जो जिक्र है ये अर्क है हु रब की अन है नफ्सों को कत्ल करने वाला जिक्र है और आशकिन का जिक्र हु होता है और सुल्तान आशकिन हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमत तो का जिक्र भी हु है सुल्तान आशकिन सुल्तान आरफिन हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमत हु के जिक्र के बारे में फरमाते हैं जिक्र हु कशुद बाहु न मुर्दस्त बाहु ने हु का जिक्र किया है इसलिए वो मुर्दा नहीं है कि जिक्र वासला आवर्द बुरदस्त के वासलों का जिक्र जो रब से वासिल हो जाते हैं उनका जिक्र ही हु का जिक्र है आगे फरमाते हैं बाहू बक नुकता याहू मीशूद यानी कि बाहू के नीचे बे के नीचे अगर आप एक नुकता लगा दें तो याहू बन जाता है वृद्ध बाहू रोज शब याहू बोध और बाहू का सुबह शाम जिक्र याहू का जिक्र है इसमें हु हुफ अस्त बाहु बर जबान ये हु का जिक्र तलवार की मानद है ये नंगी तलवार है और बाहु के जबान पर हर वक्त जारी है कतल कुंतू नफ्स काफिर हर ज़मान और हु के जिक्र से अपने नफ्सों को हर लमह कतल करते रहो इसमें याहू बाहू राशुद राहबर यानी कि याहू का जो इस्म है ये इसम याहू बाहू का रहनुमा बन गया है पेशवा शुद्ध मोहम्मद मोतबिर और जिसके पेशवा जिसके मुर्शिद जिसके आका आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्हु वसल्लम हो उनका जिक्र हकीकी तौर पर याहू होता है आगे फरमाते हैं बाहू दर गुमशुदा बाहू नमांत बाहू हू में गुम हुआ है और बाहू राह ही नहीं है और हमारे मुर्दे पाक क्या फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह कहते हु नजर आया मुझे में जब मैं गुम हुआ तो तू नजर आया मुझे हु में गुम होना क्या है इसकी भी तफसील बता चुके हैं जो सात लताफ की महफल होती है उसका जो जिक्र खफी होता है हु वो दर हकीकत हु में गुम होना होता है आगे फरमाते हैं कल बाहू रोजो शब और बाहू का दिल सुबह शाम हु का जिक्र करता है इस दौर में जो शख्स चाहता है हु का जिक्र करे तो उसको सात लताफ की महफिल करनी होगी जो सात लताफ की महफिल कर लेता है उसको हु के जिक्र की इजाजत हो जाती है सात लताइ की महफिल हमने फिक्र इकबाल यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है सात लताफ की महफिल करने के लिए जरूरी है कि आप जिक्र कल हासिल करें ज़िक्र कल्ब हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि वीडियो के लास्ट में जब अल्लाह अल्लाह पढ़ाया जाए तो आप भी साथ साथ पढ़ें अल्लाह हु अल्ला हु अल्लाह फिर हर लम्हा हर घड़ी दिल की धड़कने महसूस करते रहिएगा और उन दिल की धड़कनों के साथ अल्लाह हु वल्ला करते रहिएगा उसके बाद आपको लतफ की महफल करने की भी इजाज़त हो जाएगी इनिशियल स्टेज क्या है ज़िक्र कल्ब जिक्र कल्ब को अभी अपनाएं

alehu aleahu 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 lọ ilaha ilallah.